नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि एक गर्मी का धनिया है जो हमने हमारी क्यारी में लगा रखा है और अच्छी तरह से लग भी पाया है। दोस्तों, ये धनिया है जो काफी सारे बंदों की एक ही सवाल है कि भाई ये ऐसा धनिया हम कहाँ से लाएं और ये किस तरह से लगाएं ताकि हमारा भी धनिया अच्छे से लगे और हम भी गर्मी में अच्छा धनिया लगा सके। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, वो आपको बातों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को यहाँ तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको मैं हर वीडियो में अलग अलग खेती के बारे में वीडियो लेकर आता हूँ, जैसा कि आज धनिया के बारे में। तो दोस्तों, उसके बारे में अगली वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें अलग खेती के बारे में बताऊंगा जो आप अपने घर पर लगा सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कि धनिया हमने किस तरह से लगाया है और किस तरह से हम लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम खेती करते हैं हर साल और खेती करते हैं तो दोस्तों उसके साथ धनिया भी लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो ज़्यादा सब्जी होती है तो गिरा क्या है कि धनिया को देखने के बाद ही सब्जी लेता है। तो दोस्तों वो तरीका बताऊंगा जो हम हर बार सब्जी में यूज करते हैं, यानी कि तरीका यूज करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर एंड तक देखते हो तो दोस्तों आपको सारा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा और आप भी 100% तरीके से आप धनिया लगा पाओगे। तो चलो दोस्तों, पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो क्यारी में धनिया लगाया है वो तो किस तरह से उग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो क्यारी में धनिया लगाई रखी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से हमने लगाया है। यहाँ पर आप देखो और दोस्तों देख सकते हो कि किसने अच्छी तरह से हमारा धनिया लग रहा है। ये देखो, यहाँ पर आप देखो ये खुशबूदार धनिया है, जो आप एक बार काटते हो तो दोस्तों ये दोबारा इस तरह से फूट कर वापिस इतना बड़ा हो जाता है और दोस्तों इसे बोलते हैं कटनी का धनिया। दोस्तों इसकी एक बार कटिंग हो चुकी है और आपको ये भी बताऊंगा कि कब कब आप कौन से महीने में आप इस धनिया की उगाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि ये धनिया एक बार काटने के बाद ये थोड़ा क्या है कि पीला पड़ने लगा है, क्योंकि इसमें कटने के बाद पानी का बहुत दिनों का गैप लग चुका है, इसलिए पत्तियां पीली पड़ने लगी है। तो दोस्तों इसमें पानी पिलाने के बाद जो पत्तियां हैं वो हरी देखने को मिलेगी और आप इधर देख सकते हो जो हमने धनिया लगाई है दोस्तों, इनकी बीच में जो गैप देखने को मिल रहा है ये गैप हमने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि जब भी कोई खरपतवार हमें देखने को मिलती है तो उसके हम निंदाई खुदाई करके हटा देते हैं। इधर की जिन क्यारियों में आप देख रहे हो इनमें सभी में धनिया लग रहा है। तो दोस्त, यही बात बताने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाकर तैयार किया है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसा रियल तरीका कोई भी नहीं बताएगा कि आप इस तरह से धनिया लगाओ। दोस्तों जो धनिया हम लगाते हैं उसमें एक भी बीज मिस नहीं होता, खराब नहीं होता, पूरा धनिया एक एक दाना उगता है, क्योंकि दोस्तों हम लगाते हैं जो तरीका आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने जो आज जो तरीका आपको बता रहा हूँ उस तरीके से कोई धनिया भी नहीं लगाता है और बताता भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब आप धनिया लगाते थे वो तो दोस्तों क्या करते हो, ऊपर से क्यारी को खोद के मिट्टी को भी अच्छी तरह से बारीक नहीं करते हो और ऐसे धनिया फेंक देते हो ऊपर से और पानी पिला देते हो। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपका धनिया है वो तैर जाता है और कुछ कुछ दाने वो जो मिट्टी में दब जाते हैं। अब करते हैं दोस्तों लगाई के बारे में बात, क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमने ये धनिया लगाया है तो कौन से महीने में लगाया है। दोस्तों आप धनिया की उगाई 1 मार्च से भी कर सकते हो और बीच में भी कर सकते हो, मार्च के 15 तारीख के बीच में भी कर सकते हो, लास्ट भी कर सकते हो और आप मार्च के बाद अप्रैल में भी कर सकते हो, अप्रैल के बीच में 15-16 तारीख के बीच में भी कर सकते हो। दोस्तों क्या है कि अप्रैल में ज़्यादा जो हम लास्ट अप्रैल होता है उसमें क्या है ज़्यादा लू चलने लगती है, ज़्यादा गर्म हवा चलने लगती है, तो दोस्तों उसके बाद धनिया लगाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो धनिया लगाया है हमने मार्च में लगाया है या फरवरी में लगाया है, और अगर लगाना चाहते हो तो आप अप्रैल में भी लगा सकते हो क्योंकि इतनी गर्मी तो नहीं पड़ती है, पर उसके बाद लू चलना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों अभी भी आपकी बात का पूरा जवाब नहीं मिला है, यानी कि भैया जी ये हमें धनिया कैसे लगाना है वो तरीका बताओ। तो दोस्तों ये बातें तो मैंने आपको इसलिए बताई थी क्योंकि इस तरह से हम लगाते हैं और आपके सामने बताया मैंने प्रूफ। तो दोस्तों इसकी अगली वीडियो मैंने बनाई है उसमें पूरा प्रोसेस बताया है मैंने, किस तरह से आपको निंदाई करनी है, किस तरह से आपको बीज डालना है, जो भी मैंने उस वीडियो में बताया उसको अपना लेना, गारंटी देता हूँ दोस्तों ऐसा तरीका कोई ने भी नहीं बताया होगा और इस तरह से आप एक एक दाना एक एक पौधा आप उगा पाओगे और मैंने उसमें जो बता रखा है उस तरीके से अपनाते हो तो 100% गारंटी लेता हूँ कि आप ऐसे ही धनिया उगा पाओगे और काटने के बाद आप दोबारा भी
उसको ग्रो कर पाओगे। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके वीडियो लेकर आता हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इधर साइड में आपको वो वीडियो देखने को मिल रही होगी जिसमें मैंने पूरा तरीका बता रखा है धनिया लगाने का, उस वीडियो को जाकर देखो या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। पर आप इस वीडियो को जरूर देख के जाना क्योंकि इसमें ही सारा तरीका मैंने बता रखा है।